हेलो दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, कर दो ना प्लीज, हमें और भी कहानियाँ लाने में खुशी होगी। राजस्थान का हॉस्पिटल पिछले 10 सालों से बंद पड़ा हुआ है। इस हॉस्पिटल के बंद होने का कारण यह बताते हैं कि 10 साल पहले इस हॉस्पिटल में डॉक्टर सागर रहा करते थे। वो इस हॉस्पिटल के एक सीनियर डॉक्टर थे, पर एक दिन जब डॉक्टर हॉस्पिटल की छत पर टहल रहे थे, तब कुछ लोगों ने डॉक्टर सागर को मारकर पानी की टंकी में डाल दिया था। और उनकी मौत के कुछ दिनों बाद से ही इस हॉस्पिटल में हॉरर एक्टिविटी होने लगी, और उसके बाद हॉस्पिटल में कई लोगों की लाशें छत पर पड़ी मिलती थी, और कभी कभी तो खुद डॉक्टर सागर को कई लोगों ने हॉस्पिटल में घूमते देखा था, जिसके बाद इस हॉस्पिटल को बंद करना पड़ा। और आज भी कोई उस हॉस्पिटल में नहीं जाता। और अब आगे सूरज और अखिलेश आज ही इस हॉस्पिटल के बगल वाले होटल में रहने को आए थे। पूरा दिन घूमने के बाद दोनों जब होटल वापस आ रहे थे, तब सूरज की नजर हॉस्पिटल पे पड़ी। सूरज ने अखिलेश को कहा हॉस्पिटल दिखाते हुए, अरे भाई, यह हॉस्पिटल बंद क्यों पड़ा है? ऐसा लग रहा है जैसे कई सालों से बंद पड़ा हुआ हो। सूरज की बात सुनकर अखिलेश बोलता है, मुझे क्या पता भाई, मैं भी तेरे साथ यहाँ पहली बार आया हूँ। यही सब बातें करते हुए दोनों अपने होटल में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही सूरज होटल के एक आदमी से पूछता है, अरे भैया, वो होटल के बगल वाला हॉस्पिटल बंद क्यों पड़ा है? सूरज की बात सुनकर वो आदमी बोलता है, क्योंकि वो एक भूतिया हॉस्पिटल है। उस आदमी की बात सुनकर सूरज बोलता है, अरे भाई, मजाक मत करो, और कुछ सही में पता हो तो बोलना। सूरज की ऐसी बातें सुनकर वो आदमी इस बार थोड़ा दांत पीसते हुए बोलता है, अगर मेरी बातों पर तुम्हें विश्वास नहीं है तो खुद ही जाकर देख लो ना। इतना बोलकर वो आदमी वहां से चला जाता है। उसके जाते ही अखिलेश सूरज से बोलता है, अरे तू भी कहां इस पागल की बातों में आ गया? पर सूरज तो जैसे अब उस हॉस्पिटल में जाने का मन बना बैठा था, इसलिए वो अखिलेश से बोलता है, यार, एक बार देख के आने में क्या जाता है, चल आज देखकर ही आते हैं। वो आदमी सच बोल रहा है या झूठ? अखिलेश सूरज की ऐसी पागलों भरी बातें सुनकर सूरज को समझाते हुए बोलता है, तू पागल तो नहीं हो गया? और वैसे भी हमें क्या मिलेगा उस आदमी को झूठा साबित करके? सूरज एक बार और कोशिश करते हुए अखिलेश से बोलता है, भाई, तुझे अपनी दोस्ती की कसम, तू मेरे साथ आज रात को उस हॉस्पिटल में चल। अखिलेश जानता था सूरज बहुत ही जिद्दी है, और अब तो वहां जाकर ही मानेगा, इसलिए अखिलेश सूरज की बात मान जाता है, और दोनों रात के 12 बजे हॉस्पिटल में जाने का प्लान बनाते हैं। रात के 12 बजने का इंतजार करने लगते हैं, और जैसे ही घड़ी में रात के 12 बज जाते हैं, दोनों उस हॉस्पिटल में जाने लगते हैं, और वहां पहुंचकर हॉस्पिटल के गेट का ताला तोड़कर अंदर जाते हैं। पर उन्हें सिवाय धूल के वहां कुछ भी दिखता नहीं।
अभी अखिलेश सूरज से बोलता है, भाई मुझे तो इस हॉस्पिटल में कुछ भी भूतिया जैसा नहीं दिख रहा है। चल यार अब होटल चलते हैं, फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हम। सूरज के पास उसकी बातों का कुछ जवाब नहीं था, इसलिए वो भी बोलता है, चल यार मुझे भी लगता है वहां ऐसा कुछ नहीं है। इतना बोलकर दोनों बाहर आने लगते हैं, तभी उनके पीछे से किसी की डरावनी आवाज आती है, कौन हो तुम? कौन हो? आवाज सुनकर जैसे ही सूरज और अखिलेश अपने पीछे मुड़े तो उनके होश उड़ गए और उनकी रगों में बहता हुआ खून जम सा गया, क्योंकि उन दोनों ने देखा उनके सामने एक बड़ा ही भयानक सा आदमी खड़ा था, क्योंकि उस आदमी का सर कटा हुआ था और उसने अपने सर को अपने हाथों में पकड़ रखा था। उस आदमी को देखकर सूरज डरते डरते उसे बोलता है, कौन हो तुम? सूरज के इतना बोलते ही वो आदमी जो सर उसने अपने हाथों में पकड़ रखा था उसे उसने अपनी गर्दन पर रखा और अपनी भयानक आवाज में कहा, मैं डॉक्टर सागर हूं और तुम मेरे पेशेंट। इतना बोलकर वो सूरज और अखिलेश के हाथ पकड़ लेता है और घसीटता हुआ अपने साथ ले जाने लगता है। वो डॉक्टर सागर उन दोनों को अपने साथ ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है। पहले तो वो अखिलेश को एक कुर्सी पे बांध देता है, उसके बाद सूरज को ऑपरेशन थिएटर के बेड पर लेटा देता है और कैंची से उसके पैर काटने लगता है। काटते काटते सूरज के दोनों पैर कट कर रख देता है। सूरज दर्द से तड़प और चिल्लाए जा रहा था, पर उस डॉक्टर पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। तभी अखिलेश के हाथों में बंधी रस्सी अपने आप खुल जाती है और अखिलेश जिस कुर्सी से बांधा था उसको उठाकर डॉक्टर सागर के सर में मार देता है। कुर्सी डॉक्टर के सर पे लगते ही उसका सर नीचे गिर जाता है। अखिलेश थोड़ा भी खुश हो पाता उससे पहले ही उस डॉक्टर का सर अपने आप उड़ता हुआ डॉक्टर की गर्दन में जुड़ जाता है। अखिलेश बस खड़ा खड़ा यह सब देख रहा था, वो बेचारा कर भी क्या सकता था। और सूरज को तो अपने दर्द के आगे कोई होश ही नहीं था, क्योंकि बेचारे के दोनों पैर कट चुके थे। तभी डॉक्टर सागर अखिलेश की तरफ मुड़ता है और बोलता है, अच्छा तुम्हारे दिमाग का ऑपरेशन करना पड़ेगा। इतना बोलकर ही डॉक्टर सागर ने अखिलेश को पकड़ लिया और घसीटते हुए उसे ले जाकर सूरज के बगल में लेटा दिया। अगले दिन जब वहां के पास के लोगों ने हॉस्पिटल का गेट खुला देखा तो लोगों ने सोचा कि हॉस्पिटल में चोरी हुई होगी, इसलिए वहां के लोगों ने पुलिस को बुलाया और पुलिस ने जब अंदर जाकर देखा तो उनको लोगों की कटी फिटी लाश मिली। सूरज की लाश के तो दोनों पैर कटे हुए थे और अखिलेश का सर ऊपर से कटा हुआ था। डॉक्टर सागर मर तो गए थे लेकिन वो अभी भी लोगों का ऑपरेशन कर रहे हैं। अगर आपको डर नहीं लगता तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ में कमेंट भी करिएगा। अगली बार इससे भी और भी भयानक कहानी लेके आऊंगा।